रूस के बाद चीन ने भी अमेरिका को दिखाया न्यूक्लियर वेपन। चीन ने डॉक्यूमेंट्री में दिखाई एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलें, चीन ने डॉक्यूमेंट्री में न्यूक्लियर आईसीबीएम भी दिखाई। अमेरिका को वार्निंग, चीन ने दिखाई न्यूक्लियर। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की तरह चीन ने भी अमेरिका के सामने किया न्यूक्लियर प्रदर्शन। दिखाइए ये बड़ी खबर, मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे बड़े, सीधे प्ले ऑन करें इसको, जो ग्राफिक्स है हमारे। चीन ने टीवी पर दुनिया को दिखाई कैरियर न्यूक्लियर मिसाइलें, नेक्स्ट चेंज करें, चीन ने ये दिखाई, इसके बाद चेंज करें तेजी से, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल DF-21D और DF-26B का प्रदर्शन किया, नेक्स्ट नई पीढ़ी की DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाई, नेक्स्ट दिखाइए यहां पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन पर हुआ 8 पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यूएस क्या कर रहा है ताइवान को घातक हथियारों का। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिपो बनाएगा अमेरिका, ब्रेक करें चीन के खिलाफ ताइवान के लिए अमेरिका की नई रणनीति, विश्वास के साथ ताइवान को चीन के लिए पॉक्यूपाइन बनाएगा अमेरिका। चीन की नेवल और एयर एक्सरसाइज को देखते हुए यूएस की तैयारी, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। इसके बाद ये खबर पर मैं सीधे चलूंगा कमांडर जीजे सिंह सर के पास, अमेरिकी बारूद का नया ठिकाना, ताइवान में विध्वंस का खजाना। ध्यान से देखिए आप, ताइवान को घातक हथियारों का डिपो बनाना चाहता है अमेरिका। नंबर वन, अमेरिकी रणनीति ताइवान को चीन के लिए पॉर्क्यूपाइन बनाने की है। नेक्स्ट, चीन के नेवल और एयर एक्सरसाइज का आकलन कर यूएस तैयारी कर रहा है, चीनी हमले की सूरत में दूसरे देशों के हस्तक्षेप का ताइवान मुकाबला कर सकेगा। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें, मिलिट्री रिक्रूटमेंट टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है ताइवान, ब्रेक करें। ताइवान इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भविष्य को लेकर दी वार्निंग, रिक्रूटमेंट ड्राइव में टारगेट के लिहाज से 15% गिरावट, विश्वास के साथ चीन से तनाव के बीच रिक्रूटमेंट की समस्या बड़ी चुनौती। सीधा ये बिग वॉल पर, ये खबर बहुत बड़ी है ताइवान के लिहाज से। ताइवान को रिक्रूटमेंट टारगेट की अगर बात की जाए वो उसकी टेंशन है, ताइवान की सेना अपने मिलिट्री रिक्रूटमेंट टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट दिखाइए, ताइवान इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भविष्य की तैयारियों को लेकर वार्निंग दी है, क्या कहा है? फुल वॉल दिखाइए, बिग टेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट ड्राइव में टारगेट के लिहाज से 15% की गिरावट दर्ज की गई है, पार्लियामेंट को भेजी रिपोर्ट में गिरती जन्म दर को इसको आप इसकी वजह बताया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, बर्थ रेट में आ रही कमी को बताया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर है, एयर स्पेस उल्लंघन के खिलाफ सख्त हुआ ताइवान, ब्रेक करें। चीनी जेट्स की घुसपैठ को फर्स्ट स्ट्राइक मानेगा ताइवान, ताइवान विजुअल्स के साथ, ताइवान के आसपास चीनी दबाव कम करने के लिए कदम। ताइवानी रक्षा मंत्री च्यू क्यो चेंग ने सांसदों को दी जानकारी। ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए और तीनों शॉट्स लीजिए, इसके साथ मैं सीधे चलूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, ताइवान के पास सोल्जर्स नहीं है, ताइवान को अमेरिका अपना हथियारों का ठिकाना बना रहा है और ताइवान ने चाइना को वार्निंग दे दी है, क्या ताइवान का हाल यूक्रेन वाला होने वाला है? क्या अमेरिका चीन से ताइवान के आखिरी सोल्जर तक युद्ध लड़ेगा? देखिए, जैसे आप आया, मैं समझता हूं दोनों, ये आवाज आई कैन हेयर यू सर, प्लीज गो इट। हाँ, देखिए, जैसे आपने भी बताया कि चाइना अपने मिसाइल्स को शो कर रहा है, दूसरी साइड पे प्रदर्शन जो है वो अमेरिका कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हैं। जैसे एक आर्म्स रेस होती है, मुझे लगता है कि पावर प्रोजेक्शन का एक रेस चला हुआ है इस रीजन के अंदर। दूसरी बात ये कि ताइवान जो है उसने भी ठान रखी है कि वो चाइना के आगे हथियार नहीं टेकेगा, घुटने नहीं टेकेगा, वो अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखेगा और उसकी पूरी मदद के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। और इसके अगेंस्ट जो है, इसके विरोध में है, वो चाइना कहता है कि मैं इसको लेके रहूंगा क्योंकि मैं ये मेरा एक ये पार्ट रहा है, मेरा एक हिस्सा रहा है पहले, ये मेरा ताइवान है। ये हमें पता है, लेकिन आपको ये कहां होते हुए जा रहा है? तो ये जो युद्ध है, ये ऐसे लग रहा है मुझे, मेरी फीलिंग है कि अब कौन पहले ब्लिंक करता है, कौन पहले ब्लिंक्स फर्स्ट, बड़ा सवाल है, गुड पॉइंट। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।